सीधा रुख करेंगे टॉप 10 खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मथुरा दौरा, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी रहेंगे मौजूद। मथुरा में जवानों का सख्त पहरा। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का असर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी से पिटाई के मामले में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर पर केस दर्ज, करीब 8 अज्ञात पर भी मुकदमा, प्रमुखता से दिखाई थी खबर। लखनऊ के रिवरफ्रंट घोटाले की सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की पूरी, जल्द नप सकते हैं 8 इंजीनियर, लागत से अधिक भुगतान का है आरोप। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की सदस्यता समाप्त करने के लिए पार्टी नेता आराधना मिश्रा ने दी याचिका। अदिति ने 2 अक्टूबर को 36 घंटे के विशेष सत्र में लिया था हिस्सा। अलीगढ़ में पूर्व डीएफओ पर वर्तमान डीएफओ ने कराया केस दर्ज, शासन को फर्जी पत्र भेजकर फंड ग्रेच्युटी मांगने का आरोप। पूर्व डीएफओ श्रीधर पर 9 करोड़ के घोटाले के आरोप की भी चल रही है जांच। ग्रेटर नोएडा में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य की हत्या, संदीप नागर को बदमाश ने मारी गोली, परिजनों का दोस्तों पर हत्या करने का आरोप। पीएमओ पहुंचा, बरेली में हुई सैकड़ों गायों की मौत का मामला, यूपी के मुख्य सचिव को दोषी अफसर पर कार्रवाई के दिए निर्देश। मेयर उमेश गौतम के छापे में मिले थे गाय के कंकाल। बहराइच में सनसनीखेज वारदात, मां के प्रेमी ने की 6 साल के मासूम की हत्या, अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहती थी महिला। आगरा में सभी स्मारकों सहित ताजमहल का टिकट भी हो सकता है महंगा, भारतीयों के टिकट पर 30 रुपए तो विदेशी सैलानियों के टिकट पर 100 रुपए बढ़ाने की तैयारी। और औली, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।